डिस्क्लेमर, शिवचंगा का मालिक डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे सारे फिश लवर्स भाई, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जो सब लोग मेरे से मछली ऑर्डर करते हो उन लोगों का मछली किस तरीके से पैकिंग करके कोरियर से भेजता हूँ। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, सुपर एड क्राउंडल का बहुत सारा पीआर पैकिंग हुआ है, ओईचएम का भी बहुत सारा कलर का पीआर पैकिंग हुआ है। और ओईचएम में दोस्तों एक नया ऑफर दे रहा हूँ जिसका प्राइस आप लोगों को 300 रुपये करके था ओईचएम का पीआर। तो 300 रुपये में अगर आप लोग एक पीआर खरीदोगे उसके साथ आप लोगों को एक और फीमेल एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 300 रुपये में आप लोगों को दो फीमेल और एक मेल मिल जाएगा। वो ऑफर लेने के लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो का किसी भी एक पॉइंट पे आप लोगों को एक प्रोमो कोड बताऊंगा जो मेरे को व्हाट्सएप पे लिखोगे तो ही ये वाला ऑफर आप लोगों को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों देखो यहाँ पे डम्बोयर प्लाकेट्स का भी बहुत सारा पीआर पैकिंग हो रहा है, सभी ओरिजिनल फीमेल भी दे रहा हूँ। और मेल देखो दोस्तों अभी पैकेट के अंदर भी फ्लैरिंग कर रहा है, इतने एक्टिव है। और अभी आप लोगों ने जो नंबर देखा दोस्तों, ये नंबर को आप लोग नोट डाउन करके रखो, इसी नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सअप करके ऑर्डर करना पड़ेगा। फिलहाल देख सकते हो ये सब कुरियर ऑफिस पे बॉक्स लेके आ चुका हूँ। और ये वाला थर्मोकोल बॉक्स कोई भी सेलर को अगर चाहिए तो आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप लोग अपने घर के नज़दीक वाले कहाँ का फैक्ट्री है कैसे ले पाओगे, वो सब दिखा दूंगा। क्योंकि बहुत सारा सेलर से मेरा वीडियो देखते हो और आप लोगों को थर्मोकोल बॉक्स नहीं मिलता है तो बता दूंगा। बाकी मैं कौन सा प्लास्टिक यूज़ करता हूँ मछली पैकिंग के लिए वो भी दिखाऊंगा, ये थाईलैंड से इम्पोर्टेड वाला प्लास्टिक है वो दिखा दूंगा। और पैकिंग करने के लिए मैं मशीन का यूज़ करता हूँ, हाथों से पैकिंग अभी नहीं होता है दोस्तों। मशीन किस तरीके से काम करता है वो आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाऊंगा। फिलहाल देखो मैं समोसे खाते खाते पैकिंग कर रहा था। अभी दोस्तों डम्बोयर ओईचएम का भी बहुत सारा पैकिंग हुआ था और डम्बोयर ओईचएम का ओरिजिनल वाला फीमेल भी गया है, देख लो भाई लोग। सभी दोस्तों जो मेल फीमेल दे रहा हूँ सभी आप लोगों को पूरा एक लोडेड मिलेगा। जो भी फीमेल रहेगा दोस्तों आप लोग अपने पास ले जाने के बाद जस्ट 2 दिन सेट करो अपने पास पानी में, उसके बाद आप लोग ब्रीडिंग के लिए लगा सकते हो। ये देखो दोस्तों रेड ड्रैगन ओईचएम का फीमेल, एकदम टॉप क्वालिटी का फीमेल आप लोगों को मिलेगा। और जो सब लोगों ने मेरे से ऑर्डर किया था सब लोगों का बॉक्स आप लोगों को दिखा दूंगा, सब लोगों के बॉक्स के ऊपर आप लोगों का नाम लिखा है। तो जो सब भाई लोगों ने मेरा ऑर्डर किया था वीडियो को पूरा देखते रहो। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं भेजा हूँ कौन सा मछली भेजा है तो इस वीडियो का अगर देख लोगे तो आप लोगों का कौन कौन सा मछली गया है बॉक्स में वो सब आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी जो सब लोगों को मछली डिस्पैच किया था दोस्तों आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये डिस्पैच मैंने किया था मंडे के दिन, ठीक है। अभी दोस्तों ये जो मंडे गया उसी मंडे के दिन मैंने डिस्पैच किया था। अब दोस्तों जो सब लोगों का बॉक्स पैकिंग किया था सब लोगों का बॉक्स 6 दिन से लेके 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। कोलकाता वाले जो लोग हो, वेस्ट बंगाल के अंदर जो लोग, उन लोगों को तो 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। बाकी जो लोग बिहार, यूपी या फिर गोवा से हो उन लोगों को 4-5 दिन या फिर 6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। और मैं ये बॉक्स में लाइफ प्लांट फ्री में दिया हूँ, डाफनिया कल्चर भी फ्री में दिया हूँ, ट्यूफ्लेक्सॉम कल्चर भी फ्री में दिया हूँ, जिन लोगों के बॉक्स में जगह था उन लोगों को ही, ठीक है। और मैं एक टोटो बुक करके जाता हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा बॉक्सेस हो गया था कि साइकिल से ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो एक टोटो मैंने बुक करवा लिया था। अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों कुरियर ऑफिस में। कुरियर ऑफिस जाते जाते दोस्तों हम लोगों का गाँव का थोड़ा सा लुक आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि अभी धान का खेती हो रहा है, तो धान का खेत कितना खूबसूरत लगता है वो दिखाऊंगा। और अभी दोस्तों हमारे यहाँ का आसमान भी खूबसूरत लग रहा है, देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। और रास्ते के उस पर दोस्तों हम लोगों का कुरियर ऑफिस है, ये सीमारूती कुरियर ऑफिस है जहाँ से मैं आप लोगों को बाई एक्सप्रेस कुरियर सर्विस, डिलीवरी कुरियर सर्विस, DTTC कुरियर सर्विस, ये सब कुरियर सर्विस से आप लोगों को मछली भेजता हूँ। अभी कुरियर ऑफिस पर मैं बैठा हूँ और प्रीतम अभी गेम खेल रहा है फ्री फायर। कौन कौन फ्री फायर खेलता हूँ मेरे को बताना, कौन कौन BGMI लवर आप लोग बताना। अभी सब लोग बुकिंग कर रहा है मेरा कुरियर, और मेरा ये दोस्त है आकाश, ये कुरियर ऑफिस पे ही काम करता है, और ये इसको भी थोड़ा सा दिखा दिया वीडियो में। अभी सभी बॉक्स के ऊपर दोस्तों ये जो रिसिप्ट है वो चिपकाया जा रहा है और यही का फोटो जो है आप लोगों को मैं भेजता हूँ जो ट्रैकिंग आईडी है वो, ठीक है। और फिलहाल दोस्तों आप लोगों को वीडियो में आगे एक बॉक्स पूरा अच्छे से पैकिंग करके दिखाऊंगा कि कितना टेप मैं लगाता हूँ, क्योंकि टेप दोस्तों अगर अच्छे से नहीं लगाऊंगा कुरियर ऑफिस का जो लोग है वो मछलियों को बॉक्स को बार बार उठा उठा कर फेंकता है, ट्रेन से जब जाता है तो ट्रेन से भी पटकता है, तो ये बॉक्स टूट फूट ना जाए इसलिए अच्छे से टेप लगा देता हूँ। तो कितना टेप लगाता हूँ वो आप लोगों को दिखा दूंगा। और जो सब सेलर देख रहे हो वीडियो को देख लेना, अच्छे से पैकिंग करना आप लोगों को सिखा दूंगा। आप लोग अगर दूसरी जगह पे मछली भेजोगे तो आप लोगों का मछली भी डैमेज नहीं होगा। तो मैं दोस्तों हमेशा हॉबीज़ के साथ साथ सेलर लोगों का भी देखता हूँ कि सेलर लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे कोई सेलर बताएगा नहीं क्योंकि सेलर एक सेलर को हेल्प नहीं करता है। हमेशा आप लोग देखे होंगे बिजनेस में सब लोग कॉम्पिटिशन करते हैं, मगर मेरे लिए ये सब दोस्तों नहीं, ये सब लोग मेरा भाई ऐसा है। जो सब मेरा भाई लोग सेलर से उन लोगों को बोल रहा हूँ वीडियो को देखते रहो, आप लोगों को बहुत नॉलेज मिल जाएगा, हॉबीज लोगों के तो है ही। बाकी वीडियो को पूरा देखते रहो, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर देना, 100 लाइक का टारगेट है। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, पैकिंग रिलेटेड वीडियो। बाकी ब्लॉग में तो आप लोगों को मछली वगैरह दिखाता रहता हूँ डाफनिया पकड़ने का, और भी बहुत सारा ब्लॉग में प्लान किया हूँ। अभी से दोस्तों शायद से मैं एक दिन छोड़ छोड़ के या फिर डेली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो भाई इंट्रो बहुत लंबा हो चुका है, अभी वीडियो को सीधा शुरू कर देते हैं। तो
हमेशा की तरह दोस्तों आज की इस वीडियो को भी एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो अभी आप लोग देखो घर की इस साइड पे कितना सारा थर्मोकोल बॉक्स है, दूसरा साइड पे भी बहुत सारा थर्मोकोल बॉक्स है, वो आगे दिखाऊंगा। उससे पहले देखो यहाँ पे क्या कुकिंग हो रहा है। तो ये दोस्तों कुकिंग हो रहा है एक चटनी का, इसको हम लोग आमड़ा बोलते हैं, आमड़े का चटनी बन रहा है और ये खट्टा मीठा होता है स्वाद में, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पे आमड़ा को हिंदी में क्या बोलते हैं कॉमेंट सेक्शन पर जरूर से मेरे को बताना। तो फिलहाल देखो यहाँ पे जो थर्मोकोल का बॉक्स है इधर भी बहुत सारा है, क्योंकि आज बहुत सारा बॉक्स डिस्पैच होगा। तो ये सब बॉक्स ऑलरेडी मैं सैटरडे को ला के रखा हूँ। आज ये जो वीडियो क्लिप देख रहा है ये संडे के दिन का वीडियो क्लिप है। संडे के दिन में बहुत सारा पैकिंग करता हूँ, उसके बाद मंडे के दिन सुबह जाकर डिस्पैच करके आता हूँ कुरियर ऑफिस में। अब यहाँ पे जो आप लोग बॉक्स देख रहे हो ना, इसके बॉक्स के अंदर तीन गुना बॉक्स है। मतलब तीन गुना बॉक्स क्यों आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग यकीन नहीं करोगे। वरना देखो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर और भी बॉक्स है। ये देखो ये जो बॉक्स के बड़ा वाला है, ये 5 kg वाला बॉक्स है जिसके अंदर 40 पीस मछली जाता है, 40 पीस। उसके अंदर दोस्तों 1 kg वाला बॉक्स है जिसके अंदर 3 पीस मछली जाता है। तो जो लोग मछली ऑर्डर करना चाहते हो कितना केजी के अंदर कितना मछली जाएगा वो आप लोगों को वीडियो में आगे बता दूंगा। उससे पहले दोस्तों आप लोग देखो ये 5 kg का बॉक्स हम लोगों ने निकाला क्यों। तो ये 5 kg वाला बॉक्स के ऊपर दोस्तों हम लोग ये जो सील मशीन है जिससे हम लोग मछली का बॉक्स को पैकिंग करके भेजता हूँ, वो बॉक्स मतलब उस मशीन को उसके ऊपर रखेंगे। क्योंकि ये जो मशीन है वो चलाने के लिए जॉ लाइन का पेशा लगाना पड़ता है, मतलब जो दाढ़ी है उसको मुंह से पेशा लगा के उसका जो सील है वो काम करता है। तो उसके लिए उसको थोड़ा सा ऊँचा रखना पड़ेगा, वरना हम लोग मुँह से पेशा नहीं लगा पाएंगे। तो फिलहाल इसको हम लोग बॉक्स के ऊपर रखेंगे। और ये जो सील मशीन है वो थोड़ा सा धूल गिर चुका है इसके ऊपर, तो हम लोग इसको अच्छे से गमछे से साफ़ करेंगे। और प्रीतम भाई इसको अच्छे से एडजस्ट कर रहा है ताकि ये अच्छे से सील कर सके। आज दोस्तों प्रीतम भाई ने मेरे को हेल्प किया था पैकिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा पैकिंग था तो बहुत सारा हेल्प किया है प्रीतम भाई ने। तो सबसे पहले दोस्तों जो भाई का पैकिंग हो रहा है वो एक बार देख लो। ये वाला जो ऑफ़र आप लोगों को वीडियो का स्टार्टिंग पे बोला था, यही वाला ऑफर का मछली पैकिंग हो रहा है। ये जाएगा एक सुपर रेड का पेयर, फीमेल आप लोग देखो पूरा एग लोडेड है। जिस दिन जाएगा उसके 2 दिन के बाद ही ब्रीडिंग करेगा। और मेल देख सकते हो, मेल भी बढ़िया क्वालिटी का है। और इसके साथ दोस्तों एक ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू कलर का फीमेल, वो भी एग लोडेड है। ये मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो ये फ्री वाला ऑफर दोस्तों जिसको भी चाहिए 300 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा 2 फीमेल एकदम 100 ग्रेड क्वालिटी का एग लोडेड, उसके साथ 1 मेल। तो 300 रुपये में आप लोगों को 3 मछली मिल जाएगा। उसके लिए आप लोगों को ये वाला जो प्रोमो कोड दिखा रहा हूँ, ये वाला प्रोमो कोड आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा तो ये वाला ऑफर मिलेगा। मगर ये वाला ऑफर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ OHM के लिए है। यहाँ पे जो क्राउनटेल बेटा देख रहे हो, ये क्राउनटेल बेटा के लिए नहीं है। कोई भी अगर दूसरा मछली खरीदना चाहते हो सबका प्राइस अलग से देना पड़ेगा। क्राउनटेल का प्राइस दोस्तों आप लोगों को बता दे रहा हूँ 300 करके है। क्राउन टेल हो गया या फिर दूसरा मछली हो गया, उसमें भी मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, मगर वो ऑफ़र थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब दोस्तों अगर आप लोगों को OHM की तरह फ्री में चाहिए एक फीमेल, तो आप लोगों को मिनिमम 5 पेयर खरीदना पड़ेगा। सेम दोस्तों डबल टेल के साथ भी है, क्राउन टेल, डबल टेल OHM और OHM रोस्ट टेल, ये तीनों का प्राइस सेम है 300 रुपीज़ करके पेयर। मगर सिर्फ और सिर्फ OHM के केस में ही 300 रुपये में आप लोगों को 2 फीमेल 1 मेल दूंगा, ठीक है। फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे न्यूमोकैंडी प्लाकेट्स से, न्यूमोकैंडी प्लाकेट्स का पेयर आएगा 700 करके, ये जा रहा है एक भाई का। न्यूमोकैंडी प्लाकेट्स किस तरीके से फ्लेयर कर रहे हैं आप लोगों ने देखा कितना बढ़िया लग रहा था। फिलहाल उसका फीमेल भी जा रहा है, फीमेल भाई ने छोटा मांगा था तो छोटा ही फीमेल दे रहा हूँ। जो लोगों को जो मांगता है वो सब कुछ मैं डाल देता हूँ, ठीक है। छोटा फीमेल ये भाई शायद जिसे ब्रीडिंग करवाने वाला है इसलिए छोटा फीमेल मांगा है, क्योंकि मेरा वीडियो जो लोग देखता है कभी भी वो लोग बड़ा मछली मांगेगा नहीं। फिलहाल देखो यहाँ पे डम्बो एयर प्लाकेट जा रहा है योलो इस कलर के ऊपर, इसका फीमेल भी आप लोगों को दिखाई देता हूँ। ये भाई ने बोला था कि पिंक कलर का फीमेल चाहिए, पिंक कलर का फीमेल ही उनको दे रहा हूँ। फीमेल का भी क्वालिटी देखो दोस्तों, एकदम बड़ा बड़ा साइज का डम्बो है। और ये फीमेल भी दोस्तों पूरा एग लोडेड है, साइड से आप लोगों को दिखाऊंगा तो पता चलेगा। ये देखो फीमेल इसी तरीके से दोस्तों लोड होता है, ये फीमेल भी पूरा जाने के बाद ब्रीडिंग करेगा। और भी दोस्तों फीमेल बहुत सारा है, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। देखो ये भी डम्बो एयर प्लाकेट्स का ही फीमेल है जो कि उसी भाई को जाएगा। ये भाई ने टोटल 2 पेयर ऑर्डर किया था डम्बो एयर प्लाकेट। डम्बो एयर प्लाकेट का पेयर का प्राइस आएगा 450 रुपीज़, ठीक है, 450 रुपये में पेयर आएगा। तो ये भाई को भी ये वाला फीमेल में देने वाला हूँ। और यहाँ पर है वो वाला मेल, और मेल को भी मैं पैकिंग कर चुका हूँ। देखो दोस्तों मेल कितना ज़्यादा एक्टिव है, पैकिंग करने के बाद पैकेट से दूसरा मेल को देखने के बाद वो फ्लैडिंग कर रहा है, और फ्लैडिंग करते टाइम कितना खूबसूरत लग रहा है देखो भाई उसका एयर। तो ये सब दोस्तों बॉक्स आप लोगों का पूरा पैकिंग हो चुका है। एक भाई का मतलब वो बॉक्स था 5 किलो वाला, तो वो पूरा पैकिंग हो चुका है। और फिलहाल देखो कितना सारा मछली पैकिंग होगा, मैं कैसे बैठा हूँ यहाँ पे एकदम छोटा सा जगह में। और मेरा माँ मेरे को समोसा खिला दे रहा था, क्योंकि हाथ तो गंदा है मछली उठा रहा हूँ आप लोगों को पैकिंग करने के लिए, तो इसलिए मेरा माँ खिला दे रहा था मेरे को और प्रीतम को। ऑलरेडी घर के अंदर बहुत सारा बॉक्सेस है जो कि पैकिंग हो चुका है। तो ये सब जो बॉक्स है, ये सब बॉक्स मैं जब पैकिंग कर रहा था उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हम लोग पैकिंग किए थे तो वीडियो बनाने का याद नहीं था। अभी जो सब बॉक्स पैकिंग होगा उस टाइम पे मेरे को अच्छे से याद आ गया था कि भाई आप लोगों को वीडियो भी दिखाना है, क्योंकि कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता है भाई कि मैं मछली भेजता भी हूँ। तो एक और बात, भाई भरोसे की बात कर रहा हूँ तो एक और बात बोल दे रहा हूँ,
जो लोगों को भरोसा होता है वही सब लोग पैसा भेजो, जो लोगों का भरोसा नहीं है पेमेंट मेरे को मत करो, क्योंकि मेरे को जब भी पेमेंट करोगे ना कभी कभी मैं रिप्लाई देने में लेट कर दूंगा, ठीक है, कभी कभी नहीं मैक्सिमम टाइम रिप्लाई में लेट होता है। तो कुछ लोग भाई सोचते हो कि ये बंदा पेमेंट लेने के बाद रिप्लाई नहीं कर रहा है तो क्या ये फ्रॉड कर दिया, तो ऐसा नहीं है भाई, आप लोगों का ऑर्डर लेने में भी लेट होता है और रिप्लाई करने में भी लेट होता है, डिस्पैच करने में कभी कभी दोस्तों एक दो हफ्ते का लेट हो जाता है। आप लोग अगर आज पेमेंट कर दोगे हो सकता है एक हफ्ते या फिर 10 दिन के बाद आपके पास मछली पहुंचे, तो उसके लिए भी बोल रहा हूं भाई जिन लोगों को भाई भरोसा नहीं है पेमेंट मत करो, अगर आप लोगों को भरोसा चाहिए ये भरोसा देने के लिए ही एज ए प्रूफ मैं ये पैकिंग का वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि आप लोगों को देख के पता चले मेरा एक एक बार में कितना सारा बॉक्स डिस्पैच होता है। एक एक बार में दोस्तों मेरा करीब करीब 40-50-60 तक बॉक्स डिस्पैच होता है, ठीक है। हाईएस्ट मेरा बॉक्स डिस्पैच हुआ था 82 बॉक्स डिस्पैच हुआ था, ठीक है, 82 या फिर 86 था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पुराना वीडियो पे एक बार दिखाया भी था आप लोगों को। तो आज कितना सारा बॉक्स डिस्पैच होगा वो आप लोगों को तो वीडियो में आगे दिखा भी दूंगा, आप लोग काउंटिंग करके देख भी लेना, ठीक है। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई 3 बॉक्स डिस्पैच कर दिया और आप लोगों को डायलॉग बाजी करूंगा कि भाई मेरा 40 बॉक्स डिस्पैच हो रहा है, आप लोग एक बार जस्ट काउंटिंग करते रहना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ही देखा आप लोगों ने करीब करीब 15-20 बॉक्स पैकिंग हो चुका है, अभी भी दोस्तों पैकिंग 20% भी हुआ नहीं है, अभी भी पैकिंग होने वाला है। तो फिलहाल देखो ये क्राउंडल का फीमेल है, क्राउंडल का फीमेल ऑलरेडी एक बार दिखा चुका हूँ, ये वाला फीमेल दूसरा भाई का जा रहा है, वो पैकिंग हो गया है एग लोडेड वाला। यहाँ पे एक डम्बोयर ओएचएम है, डम्बोयर ओएचएम का पीआर का प्राइस भी सेम है डम्बोयर प्लाकेट की तरह, डम्बोयर प्लाकेट डम्बोयर ओएचएम दोनों का पीआर का प्राइस आएगा 450 करके, मतलब 450 करके। और ये जो भाई को क्राउंटल का पीआर जा रहा है उसका मेल जा रहा है येलो कलर का, एकदम जो कच्चा हल्दी होता है ना उसके तरह का एक कलर है, और मेल जा रहा है सुपर रेड का। और यहाँ पर एक और भाई का जा रहा है 300 रुपये में, दो फीमेल और एक मेल ओएचएम वाला ऑफर, इसको मैं मेल दे रहा हूँ ग्रिजली, मतलब जो येलो ग्रिजली बोला जाता है या फिर येलो लैवेंडर भी इसको बोलते, तो उस कलर का मेल दिया जा रहा है, और फीमेल जो जाएगा उसका एक सुपर रेड और एक रॉयल ब्लू। फिलहाल एक और भाई का डम्बोयर का एक पेयर ऑर्डर था, तो डम्बोयर का उसको पूरा एक लोडेड फीमेल का ऑर्डर था, तो एक लोडेड फीमेल ही मैं दे रहा हूँ। आप लोगों ने देखा भाई ऑलरेडी मेरे हाथ में था तो फीमेल कितना ज़्यादा लोडेड था, अभी साइड व्यू एक बार देख लो भाई, साइड व्यू से आप लोगों को पता चलेगा ये फीमेल जब वो भाई के पास जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रेस्ट दो फीमेल को, क्योंकि वो जर्नी करके जाएगा, उसके बाद ही उसको बीडिंग पे लगा देना। और ये पैकेट से पैकिंग हो रहा है, ये पैकेट दोस्तों थाईलैंड से आता है, इसका साइज़ होता है करीब करीब 3x8 होता है साइज़ से, उतना ही होगा, मेरे को अच्छे से आइडिया नहीं है, आप लोग मेरा हाथ के हिसाब से देख लेना। पहले मेरे को ये सब अच्छे से मालूम था, मगर अभी वो पैकेट मैं बहुत सारा मंगवा रहा हूँ, जिसको भी चाहिए मेरे से मैसेज कर सकते हो, पैकेट का प्राइस आप लोगों को मैं बता दूंगा आगे वीडियो में। फिलहाल यहाँ पे देखो एक भाई को नीमो कैंडी का ऑर्डर था फीमेल का, सिर्फ और सिर्फ एक ही फीमेल का। जी हाँ दोस्तों, एक फीमेल भी ऑर्डर करोगे तो मैं भेज दूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि भाई कितना क्वांटिटी का मछली ऑर्डर करोगे तो आप लोग डिस्पैच करोगे, भाई आप लोगों को एक मेल या फिर एक फीमेल कोई भी रिक्वायरमेंट है वो भेज दूंगा, मेरा कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो फीमेल आप लोगों को दिखा दिया, वो फीमेल पैकिंग हो चुका है। एक और दीदी का ऑर्डर था, उसको भी सिर्फ और सिर्फ एक नीमो कैंडी ओएचएम का फीमेल चाहिए था, तो उनको भी ये नीमो कैंडी ओएचएम का फीमेल भिजवा चुका हूँ, और इनको तो उसके नेक्स्ट डे, जिस दिन भेजा था उसके नेक्स्ट डे ही मछली मिल गया, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से था, तो वेस्ट बंगाल में जो लोग हो उन लोगों को 2-3 दिन के अंदर मछली मिल जाता है। और यहाँ पे एक सुपर ओएचएम गोल्डन फिनिश में वो पैकिंग हो रहा है, और जो सब भाई लोगों का पैकिंग हो गया उन लोगों के एक बार बॉक्स के ऊपर नाम भी देख लो, और घर के अंदर तो और भी बहुत सारा बॉक्स अभी हो चुका है, अभी ये लोग बॉक्स भी पैकिंग होगा। यहाँ पे देखो बॉक्स पड़ा हुआ है, ये सब बॉक्स भी पैकिंग होने वाला है मेरे भाई, सभी बॉक्स पैकिंग होगा, आप लोग जस्ट देखते रहो कितना सारा पैकिंग आज होगा। और अभी भी दोस्तों कुछ लोगों का पैकिंग बाकी है, 3 भाई का पैकिंग अभी तक बाकी रह गया है, जिस दिन मैंने पैकिंग किया था उसके बाद 3 भाई का, तो पैकिंग जो होगा वो नया स्टॉक आने के बाद पैकिंग कर दूंगा, कोई फ्रॉड वाला बात नहीं है भाई, वीडियो देख लो आप लोगों को पूरा भरोसा हो जाएगा। फिलहाल ये पैकिंग हो रहा है रेड ड्रैगन ओएचएम का पीआर, रेड ड्रैगन ओएचएम का ये फीमेल है, क्या क्वालिटी एक बार देखो भाई, लंबा लंबा टेल वाला फीमेल है, और यहाँ पे कितना सारा मछली अभी भी स्टॉक में है। देखो ये जाएगा राजपूत भाई को, राजपूत, और ये आर्यन भाई का भी जाएगा, आर्यन भाई का वो मछली है वो अलग से पैकिंग होगा। संदीप दादा का जो पैकिंग है वो ऑलरेडी हो चुका है, संदीप दादा देख लो आपका क्या क्या मछली मैंने डाला है। रॉयल ब्लू कलर का ओएचएम आपने मांगा था वो मैंने मेल डाल दिया है, आपने मांगा था क्या था ये ब्लैकिश कलर का, साथ से आपने एक मांगा था वो भी मैंने डाल दिया है, मतलब जो जैसा लिखते हो वो सब मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे एक सुपर रेड का मेल जा रहा है, ये सुपर रेड पूरा सुपर रेड नहीं है दोस्तों, इसके बॉडी में थोड़ा सा व्हाइटिश कलर है, मतलब बॉडी में नहीं टेल में। तो ये एक भाई का पूरा सेम ऑर्डर था, मतलब टेल में जो व्हाइट कलर का सुपर रेड है वो चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। सुपर रेड का बहुत सारा वैरायटी होता है, एक होता है पूरा ब्लड रेड जो कि जिसके बॉडी में और कोई कलर का स्पॉट नहीं होता है, एक होता है दोस्तों टेल में व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है वो एक होता है, और एक होता है गोल्डन बॉडी रेड फिन में। तो वो सब में से आप लोगों का कौन सा फेवरेट है मेरे को बताना, मेरा तो पूरा जो ब्लड रेड है एकदम पूरा फुल रेड वो पसंद है, आप लोगों का कौन सा फेवरेट है बताना। तो जो सब लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो कॉमेंट सेक्शन पे 5 बार बॉक्स लिख दो,
क्योंकि इसमें बहुत सारा बॉक्स पैकिंग हुआ है, तो कमेंट सेक्शन पे 5 बार बॉक्स लिख दो। देखते हैं भाई कौन कौन वीडियो को देख रहे हो अभी तक। जाओ दोस्तों लिखो कमेंट सेक्शन पे, जो लोग नया व्यूअर से कमेंट सेक्शन को खोलेगा ना तो उन लोग बोल सब लोग हैरान हो जाएगा भाई, सब लोग 5 बार बॉक्स क्यों लिख रहा है, उन लोगों का दिमाग घूम जाएगा। तो देखो भाई घर के अंदर इतना सारा बॉक्स था, घर के बाहर देखो कितना सारा बॉक्स पैकिंग हुआ है। तो अभी दोस्तों जो सब बॉक्स था वो सब आप लोगों ने देखा। अभी दोस्तों ये सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम मतलब दोस्तों मंडे का सुबह का टाइम की बात कर रहा हूँ। संडे के दिन दोस्तों रात को 2 बजे तक पैकिंग हुआ था। ये जो वीडियो क्लिप देख रहे हो ये मंडे के दिन सुबह 10 बजे का है। तो मंडे के दिन दोस्तों सभी बॉक्स में आलमंड लीफ डाला जा रहा है। जो सब भाई लोगों के बॉक्स में जगह है उन सब भाई लोगों के बॉक्स के अंदर लाइफ प्लान डाला जाएगा। कुछ भाई लोगों का लाइफ डाफनिया, लाइफ मोइना, ये सब दोस्तों ऑर्डर था। सो मतलब ऑर्डर क्या बोल रहा हूँ, उन लोगों को रिक्वायरमेंट था। ये मैं फ्री में देता हूँ, ठीक है, जो लाइफ डाफनिया, लाइफ मोइना, ये सब कल्चर के लिए देता हूँ वो सब फ्री में देता हूँ। लाइफ प्लांट, आलमंड लीव, ये सब भी फ्री में देता हूँ। तो ये सब भाई लोगों को जा रहा है और एक एक करके सब लोगों का बॉक्स के अंदर टेप लगाया जा चुका है। सब लोगों का नाम भी दिखा दिया, सब लोगों का नाम दिखा दूंगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग एक बार देख लो। और लास्ट में दोस्तों मनोज भाई का पैकिंग हो रहा है। मनोज दोस्तों मेरा एक दोस्त है, उसको मतलब बुआ भी हैदराबाद में रहे थे अपने मामा के साथ, तो उसने बोला कि मेरे को एक न्यू कैंडी का पीआर चाहिए। संडे के दिन रात को बोला था, तो संडे के दिन रात को टाइम नहीं था, मंडे के दिन सुबह उसको पैकिंग करके भेज दिया। मनोज भाई देख लो तुम्हारा जो मछली है वो यही वाला पीआर जा रहा है, फीमेल तुम्हारा पूरा एक लोडेड है। उसने एक लोडेड फीमेल मांगा था कि जाते ही ब्रीडिंग करे, तो जाते ही ब्रीडिंग करेगा मेरे भाई, तुम एकदम टेंशन फ्री रहो। और ये जो बॉक्स पैकिंग हुआ इसका नाम भी आप लोगों ने देख लिया, क्या नाम था भाई मैंने नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्लू बटरफ्लाई पैकिंग हो रहा है। ब्लू बटरफ्लाई का एक पीआर का उनका ऑर्डर था, वो भी जा रहा है। और ब्लू बटरफ्लाई का ओरिजिनल फीमेल भी जा रहा है। ये देखो ब्लू बटरफ्लाई का साथ साथ फीमेल आप लोगों ने देखा नहीं होगा इससे पहले, आप लोगों को दिखा दिया। तो यहाँ पे देखो लाइफ प्लान जा रहा है एक भाई का, एक में हॉर्नट है, एक पैकेट में का अंदर गापी ग्रास, मिग्रा डेंसा और हाइड्रोफिला पॉलिस्पर्मा है, मतलब 4-5 वैरायटी का होता है। और इसमें दोस्तों डाफनिया कल्चर है, डाफनिया कल्चर भी फ्री में जा रहा है। तो जिस भी भाई को ये सब रिक्वायरमेंट है भाई लोग बेझिझक मेरे से ऑर्डर कर सकते हो। मेरा बस एक प्रॉब्लम है, आप लोगों का ऑर्डर लेने में लेट करता हूँ, ठीक है, रिप्लाई में लेट होता है। और मेरे पास दोस्तों मेडिसिन मिल जाएगा, रीडल का ओरिजिनल मिथेनिल ब्लू जो कि सिंगापुर से आता है, कोई भी डुप्लीसिटी माल नहीं है, वो आप लोगों को 150 रुपये का एक बॉटल मिल जाएगा। मछली का फिनरॉड वगैरह ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया है। और मछली का लाइफ फूड अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मेरे पास से ड्राई ट्यूफ्लेक्सा मिल जाएगा 50 रुपये का, वो आप लोग ले सकते हो। और ये भाई के बॉक्स के अंदर ये वाला जो ब्लू बटरफ्लाई का पैकेट है वो प्रीतम भाई ने अच्छे से सील नहीं किया था, जिसके कारण थोड़ा सा हवा लीक कर रहा था, तो उसको मैंने फिर से पैक कर दिया है, जिससे जो मछली है वो अच्छे से जाएगा। तो सुबह का टाइम भी इसलिए मैं चेक करता हूँ, कोई भी पैकेट में दिक्कत होता है तो वो रिप्लेस करके पैकेट डाल देता हूँ ताकि वो मछली अच्छे से जाए। फिलहाल देख लो ये सब बॉक्स के अंदर टेप लगाया जा चुका है, और भी बहुत सारा बॉक्स है, इतना बॉक्स दोस्तों कम है, ठीक है, ये सब बॉक्स बहुत ही कम बॉक्स है, इससे भी दुगुना बॉक्स इस बार डिस्पैच हुआ है। अभी देखो ये प्रीतम भाई अभी भी मेरे को पैकिंग में हेल्प कर रहा है। अब मैंने दोस्तों प्रीतम भाई पैकिंग किया था, मैंने भी पैकिंग किया था, जो लोग सोचते हो कि प्रीतम भाई ही सिर्फ पैकिंग किया था ऐसा नहीं है, मैंने भी किया था। जिस टाइम पे वीडियो बनाना होता है प्रीतम भाई अच्छे से वीडियो नहीं बना पाता है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, प्रीतम भाई पैकिंग करता है, मैं दिखाता हूँ, फिर मैं भी पैकिंग करता हूँ। और अभी दोस्तों पैकिंग हो रहा है, शायद से प्रदीप दादा का पैकिंग हो रहा है। ये वाला पैकिंग हुआ था 5 मेल और 10 फीमेल वाला ऑफर, 5 मेल 10 फीमेल दोस्तों आप लोगों को 5 पीआर के प्राइस में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को एक पीआर खरीदने पे आप लोगों को मिल जाएगा वो एक फीमेल फ्री, सेम 5 पीआर खरीदने पे 5 फीमेल फ्री में मिल जाएगा। टोटल 10 फीमेल मिलेगा और 5 मेल मिलेगा 1500 में। उसके लिए आप लोगों को ये वाला प्रोमो कोड जो दिखा रहा हूँ, ये वाला प्रोमो कोड आप लोगों को मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक पीआर का तो आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और ये भाई के बॉक्स में भी हॉटनॉट प्लांट जाएगा, प्रीतम भाई इसको गले का नेकलेस बना दिया था। ये देखो घर के अंदर मैं ला चुका हूँ प्रदीप दादा का बॉक्स, उसमें भी टेप लगाना बाकी है। अभी भी कुछ लोगों का बॉक्स पैकिंग होगा, दिखाऊंगा सब कुछ। और ये कान का झुमका भी बना रहा था। चलो भाई इसका बॉक्स के अंदर ये हाल जो हॉटनॉट है वो डाल देंगे, आलमंडली भी डालना बाकी है। उसके बाद दोस्तों इसके बॉक्स में शायद से डाफनिया कल्चर भी गया था। और यहाँ पे पंखा मैंने चालू कर दिया, प्रीतम भाई को गर्मी लग रहा था इसलिए। ये देखो किस तरीके से मशीन काम करता है, एक बार देख लो। इसके अंदर मतलब जो बीच में हिस्सा है उसके अंदर प्लास्टिक को डाल के इस तरीके से दाढ़ी मतलब जो जॉ लाइन है उससे पेशा लगाया जाता है, तो प्लास्टिक पूरा एकदम सील हो जाता है, जिसके अंदर से हवा भी नहीं निकलता है और कुछ भी मतलब उसके अंदर से निकलता नहीं है। यहाँ पर सब लोगों का बॉक्स है। और इधर दोस्तों बॉक्स में टेप कैसा लगाता हूँ वो एक बार देख लो। तो जो सब लोग सेलर भाई लोग देख रहे हो जरूर से ये वाला पार्ट को अच्छे से देख लेना, क्योंकि आप लोग अगर टेप अच्छे से नहीं लगाओगे और टेप लगाने में कंजूसी करोगे ना, कोरियर में जो लोग काम करता है कोरियर ऑफिस में माल ले जाते टाइम वो लोग इसको पटकता है, फेंकता है, ट्रेन से उतारते टाइम इसको फेंका जाता है, तो उस टाइम पे आप लोगों का बॉक्स डैमेज हो सकता है। टेप अच्छे से लगा देना, टेप में कंजूसी मत करना। एक टेप का दाम आएगा
₹90 या फिर ₹120, ₹90 या फिर ₹120 में आपका करीब करीब 50 से ज़्यादा बॉक्स पैकिंग हो जाएगा। अगर आप लोग कंजूसी करोगे, एक भी बॉक्स में दिक्कत आएगा, वो मछली मर जाएगा, तो आप ही को वो बॉक्स रिप्लेस करना पड़ेगा। एक और बात दोस्तों, जो सब लोग बोलते हो कि भाई मछली अगर मर गया बॉक्स में जाते जाते तो क्या होगा, तो वो पूरा मेरा गलती है, मेरा जिम्मेदारी है। मतलब गलती तो मेरा नहीं होता है, मैं तो जानबूझ के मछली को मारता नहीं हूँ। अगर कुछ भी होता है तो वो मेरा जिम्मेदारी है, वो पूरा जो मतलब नुकसान होगा वो मैं लूँगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दोस्तों डिलीवरी का पैसा मेरे को भेजना पड़ेगा, आप लोगों को नया मछली में भेज दूँगा। कुछ लोग बोलेगा कि भाई मेरे तो डिलीवरी चार्ज भेजा था, फिर से मेरे को क्यों भेजना पड़ेगा? तो भाई मछली रिप्लेस होगा, तो रिप्लेस करने के लिए डिलीवरी चार्ज भेजना पड़ेगा, और डिलीवरी चार्ज जो भेजोगे वो पैसा भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। जितना आप डिलीवरी चार्ज भेजोगे उतना ही पैसे का मैं दूसरा मछली आपके बॉक्स में डालूंगा। मतलब सोचो कि आप लोगों ने टोटल ₹150 मेरे को डिलीवरी चार्ज दिया है दो मछली के लिए, उसके बदले में मैं ₹150 का ही एक और मछली, टोटल तीन मछली आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि डिलीवरी चार्ज मेरे को बेफालतू में देना पड़ा। तो मेरा कोई दोस्तों रिफंड पॉलिसी नहीं है कि मछली मर गया पैसा रिफंड कर दिया, ऐसा नहीं है। मछली मर गया तो मैं उसका मछली फिर से भेजूंगा, आप लोगों को सिर्फ डिलीवरी चार्ज देना है, जितना डिलीवरी चार्ज दोगे उतने का मछली मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा भेजूंगा। मगर कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, रिफंड पॉलिसी मेरा इसीलिए नहीं है क्योंकि रिफंड कर दूंगा तो मेरा पूरा का पूरा मछली का जो पैसा है वो भी नुकसान जाएगा, डिलीवरी चार्ज का भी नुकसान जाएगा। अगर मैं आप लोगों का मछली रिप्लेस करूंगा तो मेरा नुकसान होगा मगर थोड़ा सा कम होगा। तो जो लोग भाई देख रहे हो वीडियो को तो जरूर से ये सब सुन लेना। बाद में अगर मेरे को मछली मारने के बाद बोलोगे कि भाई मैं डिलीवरी चार्ज नहीं दूंगा, मेरा पैसा रिफंड कर दो, तो भाई मैं उन लोगों को ये वाला वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोगों का गलती है भाई, आप लोग वीडियो को एंड तक देखते नहीं हो। बाकी जो लोग भाई देख रहे हो उन लोगों को फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, पूरा अगर टर्म एंड कंडीशन मेरा आप लोगों का अगर अच्छा लगता है तो ही मेरे से ऑर्डर करो। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो मार्केट में और भी बहुत सारा सेलर्स है, उन लोगों से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, वो लोग आप लोगों को पूरा डायरेक्ट रिफंड वगैरह कर देगा, ठीक है? उन लोगों से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि मेरे से ही मछली लेना है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे कारण बहुत सारे सेलर लोगों का सेलिंग कम हो चुका है। आप लोग सिर्फ से मेरे से ही ऑर्डर कर रहे हो, कुछ सेलर लोग भाई मेरे से मतलब दुश्मनी टाइप का भी कर लिया है। ऐसा कुछ सेलर बोलता है कि भाई शिवशंकर के पास जितना सारा बॉक्स है वो सब खाली है, ये जो शिवशंकर टोटो से लेके जा रहा है ना ये सब बॉक्स खाली है, जस्ट ये वीडियो शूट करने के लिए बनाया है। पता नहीं भाई उन लोगों के पास इतना टाइम कैसे आता है कि मेरे नाम पे ये सब ये बोलता है। और कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि शिवशंकर के घर पे जो सब कंटेनर है जिसमें मछली रखा हुआ होता है, आधा कंटेनर तो खाली है, वो वीडियो में जस्ट ज़्यादा मछली दिखाने के लिए ऐसा करता है। तो आप लोग जो सब रेगुलर वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता होता है ये सब सच है या फिर झूठ है। बाकी हमारे यहाँ का गाँव का लुक आप लोगों ने देख लिया। तो अभी हम लोगों का टोटो आ चुका है आलमपुर में, आलमपुर मतलब जहाँ पे हम लोग कुरियर सर्विस में मछली देते हैं वही आलमपुर का जगह है। तो अभी टोटो जा चुका है, यहाँ पे दोस्तों देखो बॉक्स लेके प्रीतम खड़ा है, और यहाँ पर देखो आसमान का कितना बढ़िया एकदम व्यू आ रहा है। तो अभी दोस्तों हम लोगों का कुरियर ऑफिस इधर है, कुरियर ऑफिस दोस्तों ये है सीमारुति का नाम है, मगर यहाँ पे मारुति कुरियर के साथ साथ एक्सप्रेस कुरियर सर्विस, डीटीडीसी कुरियर सर्विस, डिलीवरी कुरियर सर्विस, प्रोफेशनल कुरियर सर्विस, ये सब कुछ सर्विस मतलब ये लोग देता है। तो मैं जब भी जहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं होता है एक्सप्रेस से, मैं डीटीडीसी से भेज देता हूँ। डीटीडीसी में भी अगर सर्विस नहीं है तो मैं प्रोफेशनल कुरियर से भेज देता हूँ। और ये है मेरा दोस्त आकाश, यही आप लोगों का जो बुकिंग है वो करता है। और प्रीतम भाई देखो भाई इंटेंस मतलब गेम प्ले कर रहा है, क्लासकॉट खेल रहा था, और यहाँ पे देखो भाई शायद से इंटेंस फाइट हो रहा है, इसका मुंह का एकदम शकल देखना। तो आप लोग फ्री फायर लावर हो या फिर BGMI लावर मेरे को बताना कमेंट सेक्शन पे, आप तक वीडियो को देख रहे हो तो ठीक है। मैं BGMI खेलता हूँ और फ्री फायर पहले खेलता था, दोनों ही खेलता हूँ, ऐसा दिक्कत नहीं है। सभी के बॉक्स के अंदर दोस्तों ट्रैकिंग आईडी जो है वो पेपर एकदम लगा के टेप वेप लगा दिया गया है, सब लोगों को फोटो भी मैंने भेज दिया है। भाई लोग हमारे यहाँ का जगह का नाम है धूलागढ़, ठीक है? धूला मतलब होता है धूल, आप लोगों को मैं धूल दिखा देता हूँ, देख लो एक बार, बस देखते रहो ये ट्रक आ रहा है, एक बार देखना आप लोग, ये देखो ऐसे ही धूलागढ़ का ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करो, ठीक है? कैमरा में अच्छे से दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, बहुत धूल है। तो भाई हमारे यहाँ का धूलागढ़ ऐसे ही धूलागढ़ नहीं बोला जाता है, बहुत धूल है इसीलिए धूलागढ़ बोला जाता है। भाई उम्बुजा सीमेंट से ये धूल निकलता है जो कि रास्ते में आके बैठ जाता है और गाड़ी जाता है तो वो धूल उड़ता है। यहाँ पे दो पंछी दिख रहा था, ये शालिक पाखी बोला जाता है, और हमारे बांग्ला में मतलब बंगाली लोगों में एक मान्यता है कि दो साल ये पंछी दिख गया तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। मेरा दिन तो आज अच्छा गया मगर ये सब बातों पे मैं यकीन नहीं करता हूँ। और ये है वो अंबुजा सीमेंट का फैक्ट्री भाई, जिसके कारण हमारे यहाँ पे इतना धूल होता है। कुछ लोग सोचते हो कि भाई हमारे यहाँ का गांव के एरिया है तो पॉल्यूशन बहुत कम होगा, एक्चुअल में एयर पॉल्यूशन कम है, मगर अंबुजा से जो धूल निकलता है ना उससे हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत कम हो चुका है और धान वान बहुत कम यहाँ पे फलता है।
और अम्बुजा में बहुत सारा अभी प्लांटेशन वगैरह ये लोग कर रहा है, मगर वो अम्बुजा जो प्लांटेशन किया जाता है वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। खैर छोड़ो भाई, वो सब बात अलग बात है। आज का थंबनेल आप लोगों को कैसा लगा बताना। मैंने थंबनेल पे बहुत सारा मछली का फोटो वोटो लगा दिया है, कोरियर ऑफिस का तो कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों को कर ही दिया था। तो चलो भाई, फिलहाल वीडियो में इतना ही था। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक वीडियो को देख रहे हो तो कॉमेंट सेक्शन पर समोसा पैकेट लिख देना, क्योंकि मेरे हाथ के सामने अभी समोसा पैकेट पड़ा है जो कि नया स्टॉक आया था। तो भाई लोग, अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो यहाँ पे और भी दो वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, ये दो वीडियो भी आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हो। इसी वीडियो की तरह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार होगा, तो आप लोगों से उसी दो मिनट से कोई वीडियो पे मुलाकात होगा। बाय बाय।